तमेव माता च पिता तमेवा त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेवा तमेव विद्या द्रविडं तमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीतिया व्रत की पूजा विधि क्या है। संपूर्ण पूजा विधि मैं आपके साथ एकदम अच्छे से बताऊंगी डिटेल में। आप थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि जो मेरा जीतिया का फर्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो में मैं खाए नहाए जिसको बोलते हैं उसकी क्या विधि विधान है, कैसे हमें व्रत रखनी है और हमें कैसे अपने जो सास जिनकी नहीं है उनको भोजन वगैरह देनी है, क्या शाम को बनानी है और क्या दान करनी है, वो सब चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो मैं डाली थी उसमें सब बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में पूजा विधि मैं बताऊंगी, जो कि मैं आपको बता कर रखी थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूजा विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि इसमें, फिर एक बार याद दिला देती हूँ कि गंगा स्नान करके, वहीं तक ये मैं बताई थी, गंगा स्नान करके अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, या घर में भी आप पानी में तिल डालकर या तिल का पत्ता डालकर आप स्नान कर सकते हैं। दातुन नहीं करनी है, जो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला देती हूँ। उंगली से अपने दांत को साफ़ कर लीजिएगा और उस दिन खर नहीं तोड़ते हैं तो आप खर मत तोड़िएगा। और आप जो है अच्छे से स्नान करके आके तिल डालकर पानी में नहाकर, और आपको बाल नहीं बांधनी है, सर के ऊपर से नहानी है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ फिर भी एक बार थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। और उसके आगे आपको पूजा कैसे करनी है, तो देखिए जीतिया के लिए हमें दो जीतिया खरीदना पड़ता है, एक खुद को पहनने के लिए और एक जीतिया जो है दान करने के लिए खरीदा जाता है। जीतिया होता क्या है, धागा मतलब कलरफुल रहता है, पीला कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर भी होता है और ये रेड कलर का भी होता है, बहुत सारे कलर मतलब कलरफुल जीतिया मिलता है, गुलाबी भी होता है, तो आप जैसा लेना चाहें मार्केट में आपको जीतिया मिल जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं सोना के भी पहनते हैं, जितने उनके पास पुत्र होते हैं उतने संतान के लिए वो जीतिया सोना का भी बनवा लेते हैं, गोल्ड का। तो आप धागा का जीतिया खरीद कर लाइए, अगर फ़ोटो मिलेगा तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी कि जीतिया किसको बोलते हैं, जो नहीं जानते हो जान जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग जानते होंगे। और उसके बाद आपको अच्छे से पहले तैयार हो जानी है, 16 श्रृंगार कर लीजिए, सिंदूर से सिंदूर वगैरह लगा कर, और आपको क्या करनी है कि आपको गोबर से, अगर आपके पास गोबर है, मिट्टी भी हो तो चलेगा, मतलब गोबर हो तो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और आप क्या कीजिएगा कि इलो और एक सियारो, एक जीमूतवाहन भगवान की हम प्रतिमा बनाकर उन्हीं की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए वहाँ एक कलश रख दीजिए, और तीज के जैसा बहुत सारे उस पर स्वास्तिक वगैरह नहीं बनाते हैं, बस एक कलश रख दीजिए और उसके ऊपर जो आपने जीतिया आपका है, जो दान करने वाला है उसको नहीं, जो आप अपने लिए जीतिया खरीदी हैं जीतिया के दिन पहनने के लिए, उस जीतिया को उस लोटे के ऊपर लपेट दीजिए। लपेट कर आप पूजा कर लीजिए, वहीं बैठकर कथा सुनते हैं। अगर आप चाहें तो मंदिर में भी कथा सुन सकते हैं, चाहे तो घर में भी पढ़कर कथा सुनना बहुत अच्छा होता है, आपको बिना कथा सुने जीतिया का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कथा सुन लीजिए, या किसी से मतलब घर में जो पुरुष हैं उनसे भी आप कथा कहलवा सकती हैं या खुद भी पढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से लोटे में लपेट के जीतिया को रख दीजिए। और वहाँ पर एक चीज़, एक और पौधा का उस दिन बहुत अधिक महत्व है, वो कौन सा पौधा है वो बता देती हूँ। उस पौधे का नाम है, हमारे तरफ तो नाम है उसका, उसको बोला जाता है अरियार और बरियार, पौधे का नाम है।
उसको एक उसमें कहावत भी कहा जाता है, हमारी सास कहती है, हमारी माँ कहती हैं, बोला जाता है कि ए अरियार का बरियार, जा के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि आकर्ष की मम्मी जीतिया भूखी है, मार यही है, महाराज यही है, रैन जीत के घर चली यही है, ऐसे कहा जाता है वहाँ पर। और उनको गले लगाते हैं, मतलब अकवार देना जिसको बोलते हैं ना, किसी को गले लगाते हैं, उस प्रकार से उस पौधे को हम पूजा करते हैं, पूजते हैं, ऐपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जीतिया उनके ऊपर चढ़ाते हैं और उनसे गले लगते हैं 5 बार या 7 बार, आपको इधर से भी और इधर से भी गले जैसे किसी से मिलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। तो वो पौधा बड़ा मुश्किल होता है, मिलता तो नहीं है, उसमें पीले पीले फूल आते हैं, उस पौधे का नाम है अरियार बरियार का पौधा। तो अगर आपको मिले तो आप इस प्रकार से उस पौधे को गले लगा लीजिएगा और ऐसे बोलिएगा, ए अरियार का बरियार, जाय के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा, अपने पुत्र का आप नाम ले लीजिएगा कि इनकी मम्मी इनकी माँ जीतिया भूखी हैं, मार यही है, महाराज यही है, रैन जीत के घर चली यही है, ऐसे आपको बोलनी है। तो बोलकर आपके जितने पुत्र हैं उनका नाम रख लीजिएगा, अपने हस्बैंड का भी नाम रखा जाता है, ऐसे तो हस्बैंड लोग की माँ भी रखती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हस्बैंड का भी नाम रख सकती हैं। तो ऐसे पूजा कर लीजिए, सिंदूर तिलक वगैरह लगाकर, एप्पल लगाकर, हल्दी लगाकर, चिल्हो सियारो अजीमुत महान भगवान की पूजा कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, सुना लीजिए सबको, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद आपको क्या करनी है कि आप अच्छे से व्रत करके आप सो जाइए, चाहे तो सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो सकती हैं, क्योंकि शरीर जो है होश में नहीं रहता है, बिना पानी का जब नहा लेते हैं ना तब और अधिक प्यास लग जाती है। तो सर पे से थोड़ा नहाइएगा ना, तो सिर ठंडा रहने से थोड़ा सा हमें आराम मिलता है। तो पूजा इस प्रकार से आप कर लिए, करने के बाद आप वहाँ पे आपको जाकर आराम करनी चाहिए, अगर चाहें तो जगना चाहती हैं तो जग भी सकती हैं। फिर सुबह उठकर हमें क्या करनी है कि जिनकी सास नहीं है उनके लिए सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको चावल, दाल, आलू, मिर्ची, नमक, हल्दी सब कुछ दान करनी है। क्यों करनी है कि जो आपकी सास हैं जो नहीं है इस दुनिया में, ऐसा माना जाता है कि दान से वो अपना उस दिन पारण बना के खाएंगे। एक दिन पहले मतलब नहा खा के दिन आटा करते हैं कि वो लोग कुछ भी गर्मा गर्म जैसे पुआ पकवान बनाकर खाकर व्रत रखेंगे, मीठा चीज़, तो इसलिए आटा दिया जाता है। लेकिन पारण के दिन चावल दिया जाता है कि व्रत के बाद वो पारण करेंगे। तो आप पहले दान कर लीजिए, उसी के ऊपर जीतिया भी रख दीजिए, वो भी दान कर लीजिए। और दान करने के बाद तरोई, आपको मालूम है ना, तरोई पक्का दान करनी है दोनों टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना तरोई थोड़ा महंगी भी हो जाती है, वो सब्जी बहुत महंगा मिलता है, 200-300 रुपये केजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी तो मतलब एक छोटा छोटा लीजिएगा कि उससे सब्जी भी बनानी है, खाना के दिन भी दान करनी है और पारण के दिन भी हमें दान करनी है। तो उस प्रकार से आप जो है आराम से दान कर लीजिए। दान करने के बाद देखिए हर राज्य में थोड़ा सा अलग अलग नियम है, और सुबह आपको दातुन करनी है, ब्रश मत कीजिएगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रश एकदम मत कीजिएगा। और दातुन भी किस पौधे की करनी है, आम की और नीम के पेड़ का आपको दातुन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि उसको वंश माना जाता है, तो उस दिन वंश की हानि होती है, तो आपको नीम और आम के दातुन नहीं करने चाहिए, या तो अमरूद के कर लीजिए, या कोई फूल वगैरह आपके गार्डन में है तो उसमें से भी एक पतली से मतलब डाली तोड़कर जो पॉइजन वाला ना हो, आप थोड़ा सा नियम कर सकती हैं दातुन का। उसके बाद पारण करने के बाद आप अच्छे से ब्रश कर लीजिए। आप लोग बोलती हैं दीदी दातुन नहीं मिल रहा है तो नया ब्रश यूज कर ले, तो हाँ कर सकती हैं, अगर आपको दातुन नहीं मिल रहा है तो अपने आप ब्रश भी उस दिन यूज कर सकती हैं, एक ब्रश ही रख लीजिए सिर्फ व्रत के लिए। तो ये हो गया, लेकिन नीम और आम के दातुन से ब्रश दातुन मत कीजिएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए इसमें हर राज्य में थोड़ा सा अलग अलग नियम बने हुए हैं, कहीं जो है तेल सिंदूर लगाया जाता है उस दिन। देखिए तेल सिंदूर पहले सबसे पहले सुबह बैठकर आप लगा लीजिए,
लगाने के बाद सारी भोजन बन जाते हैं, जैसे चावल, कढ़ी, पकौड़ी, सब्जी, सब कुछ बना लेने के बाद ही हम जो है इस व्रत का पारण करते हैं। दान वगैरह देने के बाद, अग्रासन निकालने के बाद, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि गौ माता को या चिड़िया के लिए, पक्षी के लिए विंडो पर रख दीजिए। उसके बाद आपको अपने मुंह में पानी डालनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें गर्मा गर्म चीज़ खाते हैं। जीतिया में कभी भी बासी और ठंडा भोजन मत कीजिएगा। एक तो ठंडा चीज़ आपके लिए नुकसानदेह भी है, और इसमें ठंडा बिल्कुल नहीं खाया जाता है। गर्मा गर्म चीज़ आपको खानी है। लेकिन तो इस प्रकार से कई घरों में होते हैं, सारे भोजन बन जाने के बाद बैठकर तेल सिंदूर 5 जगह टीक कर, मतलब पहले तेल से, उसके बाद उसके ऊपर से सिंदूर से लगाकर, अपनी मांग में लगाकर थोड़ा सा तेल सिंदूर, और फिर हम वहीं पर बैठकर पूजा करते हैं और वहीं पर बैठकर खा लेते हैं। सबसे पहले कोई भी गर्म चीज़ आपको पीनी चाहिए, वो दाल हो या कढ़ी हो या आपके घर में जो बनता हो वो हो। लेकिन मेरे घर में क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ कि दूध पीते हैं, कहीं कहीं तो दूध पिया जाता है। गर्मा गर्म दूध को थाली में रख कर, मतलब डालकर, एकदम जलता हुआ दूध खौलता हुआ, चीनी उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे कि हम पी सके, सह सके, तो उसी को थाली को उठाकर हम लोग ऐसे करके दूध पीते हैं। उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। कहीं पर कच्चा दूध और चिवड़ा को निगल कर व्रत खोला जाता है, मतलब खाकर, गाय का कच्चा दूध। लेकिन हमारे घर नहीं, दूध को गर्म करके चीनी डाल के थाली में डाल के फिर हम लोग उसको पीते हैं। सबसे पहले पीकर अपना व्रत खोलते हैं, उसके आगे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। बनाकर फिर हम खाने बैठते हैं। पहले भगवान को, ठाकुर जी को हम लोग भोग लगाते हैं। लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं जीतिया के पारण में। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। देखिए, हर घर का नियम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो सही शुद्ध नियम है, जो हम लोग करते आए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों से भी अधिक नियम से लोग करते होंगे तो वो और अच्छी बात है, आप लोग कीजिए, लेकिन इस प्रकार से भी आप कर सकती हैं। उसके बाद से हम लोग भोजन वगैरह करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, और भोजन थोड़ा सा खाइए। मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ तीज के वीडियो में, बहुत अधिक नहीं, नहीं तो हमें चक्कर आने लगता है, तबीयत खराब हो जाता है और भोजन पचता नहीं है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि हम 24 घंटे का जो ये निर्जला उपवास रहता है, ये जो जीतिया व्रत है, ये भी 24 घंटे से ऊपर भी आप इसको रख सकती हैं। ये जितना ही इसमें लेट से खाइए, देरी से खाइए, खर करके खाइए, और भी अधिक, मतलब अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि इसको बोला जाता है खर जीतिया। क्या आपकी माँ ने खर जीतिया किया हुआ था कि आप इस मुसीबत से बाहर आ गए, काल के मुँह से बाहर आ गए, लग रहा है कि इनकी माँ ने खर जीतिया किया हुआ था। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा खर करके हम पारण करते हैं। तो पारण के लिए भी मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो नियम है वो भी मैं बताऊंगी। और ये व्रत जो है पुत्र के लिए किया जाता है, संतान के लिए। ये जो व्रत है 29 सितंबर को पड़ा है, दिन है बुधवार, तो उसी दिन आपको व्रत रखनी है। तो बता दी मैं पूरे नियम आपको, तो इस प्रकार से पूजा करके पारण तक मैं आपको बता दी। उसके आगे और हमें क्या ध्यान रखनी है अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, जो ही मेरी बहनें हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।